कहाँ जाएंगे जिसके बच्चे चार चार है, आठ आठ ये है। रिजल्ट के बाद ही क्यों हुआ, पहले ये क्यों तो हुआ? अभी क्या है, सब रंडवा की सरकार है, इनको ना इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है। शब्दों का थोड़ा चयन। अरे इनका है क्या ये बताओ, इनको बच्चे है ही नहीं तो इनको क्या पता है। अभी अरे खत्म नहीं, अरे नहीं यार है, दोगे। पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। शुरू में विलेन जो हीरो को मारता है, जब इंटरवल हो जाता है फिर दूसरी कहानी चालू होती है। उसके बाद इंटरवल के बाद जब विलेन को उड़ा उड़ा के हीरो राहुल गांधी जी, राहुल गांधी 10 साल तक जिनको जनता पीट रही थी, 10 साल तक जनता पीट रही थी, तो विलेन ही थे ना वो। अरे यार मैं कह रहा हूँ, बात है 6 महीने चलेगी, अच्छी बात है। ये सरकार नीतीश की है, नीतीश है ये, बिना पेंदी का लोटा, ये किधर भी गिरेगा। अरे कम से कम भाजपा के लोगों में इतनी हिम्मत तो ही कि वो 400 पार का नारा लगा सकते हैं। दोस्त देखो, बुरा मत मानना पंडित जी, पहले मेरे इसको बेशर्मी कहते हैं। अरे सर हिम्मत चाहिए होती है, सर हिम्मत चाहिए होती है, मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। भाजपा के लोगों में कम से कम एनडीए के लोगों में इतनी हिम्मत तो है। पब्लिक को चूचे मारेंगे, पब्लिक को आपस में अपने से विचार रख रहे सर। पब्लिक को विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया था कि योगी जी को डर था इसलिए इन माफियाओं को हटाया गया। सर माफिया को जन्म किसने दिया, संरक्षण किसने दिया, अब वालों को कौन पाल रहा है, अब क्यों गया? सर एक चीज है, किसको बख्शा गया? उन्होंने भी फिर चुनाव जितने भ्रष्टाचार से मोदी जी ने गोदी में ले लिए, तू भी आ जा, गोदी ले लिया, चंदा ले लिया, धंधा भी ले लिया, चंदा मिल गया, चंदा ले लिया, धंधा उनको दे दिया, वो भाड़ में गए, सब भाड़ में गए। हो तिर गए मोदी जी, तिर गए जिस तरीके से बाढ़ आई थी ना, बाढ़ उसी में मोदी जी की 400 पार। तो सर क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए, आपका क्या नाम है? नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ रखा, दोनों ही मतलब कह रहे हैं नाम में कुछ रखा। अच्छा ये बता दिए, मुद्दे पे बात। ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, आप 4 जून के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बाद में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद में मॉब लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है? सियासत है भैया, 27 में चुनाव है यूपी के अंदर, अभी से माहौल नहीं बनेगा तो फिर वही हाल हो जाएगा। अब 40 कम हुई है विधानसभा में, 40 से भी कम आई है, 37 सीट आई है लोकसभा में, सर लोकसभा में सॉरी विधानसभा में, फिर आंकड़ा जो है इसके हिसाब से आधा हो जाएगा और तब तक आते आते डब्बा ना गोर हो जाए। अच्छा देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ कुछ ज्यादा फॉर्म में आ गए जब से रिजल्ट सामने आया, कि रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे आया। योगी जी फॉर्म में नहीं आए, एक रूल भी लागू कर दिया कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसी को सरकारी सुविधा मिलेगी बाकियों को नहीं। योगी जी फॉर्म में नहीं आए, सरकार जो केंद्र में चला रही है वो फॉर्म में आई है, कहीं ना कहीं डर है। देखो जितने दिन चलनी है सरकार उतने दिन तो कोई ना कोई तमाशा करके जाएंगे ही। क्या लग रहा है सर, 400 बार के नारे गए वो भाड़ में गए, सब भाड़ में गए, हो तिर गए मोदी जी, तिर गए जिस तरीके से अभी बाढ़ आई थी ना, बाढ़ उसमें मोदी जी की 400 पार अभी बयान दिया, मतलब योगी आदित्यनाथ ने रूल निकाला कि पहले जिसके 2 बच्चे होंगे उसी को सरकारी सुविधा मिलेगी बाकियों को नहीं मिलेगी। बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे जिसके बच्चे चार चार है, आठ आठ है, ये तो अभी क्या है, सब रंडुआ की सरकार है, इनको ना चुच्ची ना बच्चे, इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है। शब्दों का थोड़ा चयन। अरे इनका है क्या ये बताओ, इनको बच्चे है ही नहीं तो इनको क्या पता है, बच्चे क्या होते हैं, बीवी क्या होती है, इनको पता क्या है, इनको कुछ पता नहीं है, बस ऐसे कर दिया 400। आजकल उस पर दिखा तो रहे ना, पोस्ट आती रहती है व्हाट्सएप वगैरह पे, मोदी जी ने एम्बेसडर निकाल करके मर्सिडीज ले लिया। हाँ दे दिया, बाकी समझ जाओ कुछ नहीं देगा। और जिस तरीके से मतलब कहा मोदी जी जो है ना, पहले तो आप इसमें सब कपड़े में थे, फिर आगे बनियान में और पेंट में। नहीं सर मैं तो अभी भी कपड़े में ही हूँ। अरे वो उतार लेगा, उतार लेगा अभी, अभी तो आप कपड़े में क्यों आ रहे हो, क्या लोग दिखाई है अभी सब, वो पहनना पड़ता है ना, अभी अंडरवियर में रखा है सबको, सबके कपड़े उतार लिए। जी लंगे घूमेंगे सारे, पत्ते बांधेंगे, क्या बात कर रहे हो यार, नंगे घूमेंगे। देखिए ऐसा है, ये इनकी मानसिकता है, बच्चा क्या नहीं है। पहली चीज जो आपका जो मुद्दा मुद्दा जो था, आप मुद्दे से डाइवर्ट जा रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट नहीं है, बात मुद्दे पे कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मुद्दा यही था कि ओबीसी ने जो ट्वीट किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आप पहली चीज जो अकबर नगर की आपने बात की, अकबर नगर की जो कुरैल नदी है, अकबर नगर में कुरैल नदी है, कुरैल नदी में अतिक्रमण के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई, अवैध कब्जे किए गए और अतिक्रमण किया। सर एक चीज आप अगर देखेंगे तो वहां पर आप देखने का नजरिया है, आप एक चीज ये जो जैसे जमुना में ही इलाके में से आते हैं ब्रजेश सिंह खनन माफिया,
उनके बारे में विचार है कोई? सर पहली चीज अकबर नगर कहाँ है और ब्रजेश सिंह जी कहाँ है, दोनों चीजों का आप बताइए मुझे। आपने ब्रजेश सिंह जी का नाम लिया कि बहुत अच्छा किया, परंतु मुझे ये बताइए ब्रजेश सिंह का एरिया कहाँ है? नहर के कटाव में जितना खनन होता है उसका सबसे बड़ा जो माफिया है वो ब्रजेश सिंह का। डीपी यादव जी क्यों भूल जाते हैं जब अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले माफिया मोदी जी ने गोद में ले लिए। उन्होंने कहा था कि हम सबको हमें यूपी में सफाई चाहिए, करप्शन भी चाहिए, यहाँ यूपी के अंदर क्राइम खत्म करना, तो ये सब इनको पाल क्यों रखा है? मेरा सीधा सवाल ये है, ये सब गोदी में ले लिए मोदी जी ने, गोदी में ले लिए सबको अपनी तरफ कर लिए, बख्शा क्यों गया? सर एक चीज है, किसको बख्शा? उन्होंने भी फिर चुनाव जितने भ्रष्टाचार थे मोदी जी ने गोदी में ले लिए, तू भी आ जा, तू भी आ गया, चंदा ले लिया, चंदा भी ले लिया, चंदा मिल गया, चंदा ले लिया, धंधा उनको दे दिया, बस और क्या है? सुनना नहीं चाह रहे हैं आप, कहेंगे तो आप सुन नहीं रहे हैं आगे। मैं नहीं सुन रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहे सर, मैं बोल रहा हूँ गरीबों की सरकार नहीं है सर। पहली चीज कुरैल नदी में अतिक्रमण किया गया, उसको हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सरकार का दायित्व बनता है उसको हटाने का, तो उसका हटा रही है। और माफियाओं की इन्होंने बात की तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे लोगों को संरक्षण किसने, किस पार्टी ने दिया? विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया था कि योगी जी को डर था इसलिए इन माफियों को हटाया गया। सर माफियाओं को जन्म किसने दिया, संरक्षण किसने दिया, अब वालों को कौन पाल रहा है? अब बताइए ना, सब पे कार्यवाही हो रही है ना कार्यवाही, वही तो तकलीफ है। अरे तकलीफ नहीं है ना भैया, कार्रवाई अभी नहीं हो रही, तकलीफ इस चीज की है भैया। अरे सर कार्रवाई होती है तो आप जान रहे हो ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह कौन जान रहे हो ना? जेल में है। फिर कैसे सर? जेल में है, जेल में है। हाँ जी जेल में। तो तुम्हारा वो भी था, क्या नाम है उसका, जिसने सिद्धू मूसे वाले को मारा था, और क्या नाम था उसका, बिश्नोई, तो जेल में तो वो भी है, उसने मरवा दिया ना, तो इनका पैसा नहीं पहुंच रहा हो क्या? क्या बात कर रहे हो? आप पप्पू यादव वाली बात कर रहे हो? अरे सर पप्पू यादव वाली बात करें कि सांसद बनते के साथ ही उगाई 1 करोड़ की करने लगे, गजब काम है यार, गजब का बात आप कर रहे हैं, आप फिल्म में नहीं आ रहे, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, गुंडे पहले क्यों है? आप मीडिया वाले हैं ना, सरकार जो चला रहा है आप पब्लिक को भड़का के आपस में टकरा रहे हैं, सबसे गलत है मीडिया, सबसे गलत मीडिया है। हाँ पब्लिक को चूते मारेंगे, पब्लिक को आपस में भिड़ा रहे हैं, अपने से विचार रख रहे सारे। अच्छा पब्लिक को भिड़ा रहे हैं, चाचा सुनो, लड़ाने आपको लड़ाया जा रहा है। देखिए लड़ाना, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। बताइए इनको, बताइए सुनिए सुनिए, पहली चीज देखो हमसे उम्र में बड़े हैं चाचा, उनका तजुर्बा होगा, कहने का अधिकार है, उनका अनुभव है, गलत नहीं करूंगा, बोल सकते हैं उनको अधिकार है ना, हम थोड़ी कह देंगे। क्या चीज की लड़ाई हो रही है? नहीं, अरे सर मनभेद नहीं है, मतभेद है, मतों में भेद होना चाहिए, एक परिवार के अंदर में पति पत्नी के भी मत अलग हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं होते, रहते हैं ना साथ में, सेम वही चीज है सर, मतभेद है ये सिर्फ आपका सोच नहीं बदली जा, सोच नहीं। देखिए नजर खराब है तो चश्मा लगवाया जा सकता है, नजरिया खराब है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। अब जिसको किस एक मक्खी होती है पूरा खूबसूरत शरीर छोड़ करके एक जख्म पे ही बैठती है ना, तो कुछ लोगों की सोच वैसी ही होती है, सारी चीज अच्छी चीजें छोड़ देंगे, अगर एक कहीं कोई कमी है तो उस पे ही गिद्ध की तरह मक्खी की तरह चिपक जाएंगे। राइट है ये, हां राइट है भाई। क्या चीज गलत तरीके से भी कहा जा रहा है, 29 में नारे लगने लग गया 400 पार के। कोई बात नहीं जी भाई साहब, वही तो नहीं पार है, मैं तो कह रहा हूँ 800 पार करा लो यार, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 29 के नारे काम करके दो। आप एक चीज बताइए, मैं आप जो 400 पार की बात कर रहे हैं, अरे कम से कम भाजपा के लोगों में इतनी हिम्मत तो ही कि वो 400 पार का नारा लगा सकते हैं। दोस्त देखो बुरा मत मानना पंडित जी, पहले मेरे इसको बेशर्मी कहते हैं। अरे सर हिम्मत चाहिए होती है, सर हिम्मत चाहिए होती है, मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, भाजपा के लोगों में कम से कम एनडीए के लोगों में इतनी हिम्मत तो है, विपक्ष में और एनडीए गठबंधन में तो इतनी भी हिम्मत नहीं होगी 272 बार का नारा दे दे। हिम्मत का मुजहरा यहाँ से हो रहा है कि आपको इंडिया नहीं बोलना जा रहा, आप इंडिया बोल रहे हो, इंडिया नहीं बोल रहे, इंडिया अब इंडिया, यही तो बात है, मैंने बोला ना हिम्मत चाहिए सर, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है आप उसका, या तो आप इंडिया में डबल ए लगाते हैं, बताइए मुझे, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप बताइए ना, इंडिया में डबल ए लगाते हैं कि सिंगल ए लगाते हैं? ऐसे इंडिया में तो करते, इंडिया का ही नहीं पता, इंडिया किसी महाराज ने बोला था, इंडिया का ही नहीं पता होगा, कौन बोला था? वो राजू जो राहुल ने बोला था, अजी ये इंडिया इंडिया कर रहे हैं, इंडिया की इनको स्पेलिंग नहीं आती, राहुल ने बोला था, यही कह रहा इंडिया का, यही कहा था इंडिया का ही नहीं पता, यही कहा लाल किला का शख्स था, उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया का ई नहीं पता होगा, इंडिया में ई कब साले, इंडिया में आई हमारे इंडी में आ गए, ये डर है सर, इंडिया अलायंस ही है,
आप बताइए ना मुझे, इंडिया लाइंस का संधि विच्छेद करके एक एक वर्ड का मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ना। जैसे एनडीए का है, एनडीए का है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये एनडी सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरने के बाद जो इंडिया लाइन की सरकार बनेगी, क्योंकि देश के अंदर ताना तो दोस्त 6 महीना। अरे सर सुनिए, पहली बात, अरे यार मैं कह रहा हूं बात है, 6 महीने चलेगी, अच्छी बात है। ये सरकार नीतीश की है, नीतीश से है ये, बिना पेंदी का लोटा, ये किधर भी गिरेगा किधर भी जाएगा। नीतीश कुमार ऐसा आदमी, नीतीश कुमार ऐसे चाचा है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको नीतीश चाचा ने ठगा नहीं। सबको ठग लिया, लालू को ठग लिया, सबको ठग लिया, बस मोदी जी को ठगना बाकी रहेगा। भैया खेल बिहार चल जाए तो अच्छी बात है, 6 महीने चल जाए तो बस सुनिए अभी खत्म नहीं। पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, शुरू में विलेन जो हीरो को मारता है, जब इंटरवल हो जाता है फिर दूसरी कहानी चालू होती है, उसके बाद इंटरवल के बाद जब विलेन को हीरो राहुल गांधी जी, राहुल गांधी 10 साल तक जिनको जनता पीट रही थी, 10 साल तक जनता पीट रही थी तो विलेन ही थे ना वो, 10 साल तक पिट रहे थे देश की जनता से। अभी तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 50 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है, उस व्यक्ति को ये हीरो बता रहे हैं जिसने दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक की पैदल यात्रा कर ली तो भी 100 का आंकड़ा पार नहीं। भाजपा वालों ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा बोला था, भले इनकी सीटें कम हो गई 45 पे 50 पे, भले इनकी सीटें कम हो गई, मगर इनका सपना कभी जिंदगी में पूरे नहीं होगा, इनका कभी सपना। इस बार जो डबल सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, अगर इत्तेफाक से दुआ मांगो कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना है एक बार बस, अरे एक बार सत्ता में आ गई, ये जो भाजपा वाले काम से आए थे और काम पे गए थे पता नहीं चलेगा, 300 साल के लिए ये गायब हो जाएंगे, 300 साल के लिए सरकार तो 6 महीने पहले इनका तो हो जा रहा बिल्कुल। सर ये 6 के पीछे 0 लगाना भूल रहे हैं, 60 महीने चलेगी सरकार, यानी कि 5 वर्ष पूरा कार्यकाल करेगी। और मैं बता दूं कि 8 राज्यों में कांग्रेस को वहां की जनता ने अंडा दिया है जिसको कहते हैं 0, 8 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। और आप बता और बता दूं आज की डेट में भारत के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बीजेपी का कहां से भारत के अंदर पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का भाजपा ने, राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, कर्नाटक के कर्नाटक के अंदर भी, सुनो कर्नाटक के अंदर भी, धीरे धीरे जो है भारत देश वाली हो गया, भारत देश भी साफ है, भारत के देश को आगे खुल रही है, आगे दिल्ली भी साफ है, कांग्रेस सीट निकल गई भारत में, कांग्रेस सीट निकल गई राजस्थान में, कांग्रेस सीट निकल गई और उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस का एकमात्र विधायक है। और बता दूं देखिए जहाँ ये खड़े हैं ना यहाँ भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, ये भी बता दे कि ना तो विधानसभा में है ना लोकसभा में है। तो ये बात करते हैं कि 6 महीने, अरे 6 महीने के पीछे 6 के पीछे 0 लगाने की गिनती भूल गए हो क्या, या राहुल गांधी की तरह ही गिनती आती है कि 99 में 240 से ज्यादा होता है। ये उसी स्कूल में पढ़कर आए, उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर, सर पूरे 5 साल चलेगी और धड़ाके से चलेगी। ये जो गिरने की बात करते हैं तो अभी देखते जाइए, 99 रुपए का छोटा रिचार्ज है। एक दिन जैसे ही शपथ का खत्म हुआ, एक पार्टी ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ लिया। अभी देखते जाइए, अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, 28 दिन बीतने दीजिए, 28 दिन में 28 जगह ना बिखर जाए इंडी गठबंधन। थैंक यू।